बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी आज की वीडियो है, ये फ्लाइट फंडिंग के बारे में है। पहले मैं आपके लिए इसका ये पार्ट वन लेके आया था, उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि फ्लाइट फंडिंग में यूज़ होती है। दोस्तों आज जो ये मेरी वीडियो है ये पार्ट टू है इसका, इसमें भी मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो फ्लाइट फंडिंग। दोस्तों ये एग्जिट स्टैंड है, ये जो है ये प्ले कॉर्ड कितने का भी हो सकता है। इसके अलावा ये जो कन्वेंशनल रूल होते हैं, इसमें ये देखें, ये कन्वेंशनल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कन्वेंशनल सिस्टम जो होता है जो वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है, उसमें ये वाले एग्जिट साइन और ये इमरजेंसी लाइट्स ये भी यूज़ होती हैं। और इसके अलावा ये अगर आपने ये इस तरह की यूज़ नहीं करी तो ये प्ले कार्ड इस तरह के यूज़ करते हैं। और मौके पर जो है ये इसमें ये दीवार के साथ इसको पेश किया जाता है और ये डायरेक्शन वगैरह शो करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों ये जो एग्जिट साइन और ये दोनों कंबाइंड भी मिल सकते हैं, और इसके अलावा आपको लेदर भी मिल सकते हैं। ये बैटरी फिटिंग भी होते हैं और ये वायर के थ्रू कनेक्ट भी होते हैं, और आप इनको जो है सप्लाई डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एग्जिट साइन है ये सिंगल फेस भी होते हैं और ये डबल फेस भी होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइड फेस का एग्जिट साइन शो नहीं हुआ, लेकिन इस साइड फेस का ये साइन जो है ये जब इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये लाइट ग्लो करेगा, और ये आपको रात को जो है ये इसको आसानी से आप देख सकते हैं सेट पे एग्जिस्टेंट जो है डायरेक्ट शो कर रहा है। इसके अलावा जो है ये पाइप लाइन जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, पानी का फायर फाइटिंग का सिस्टम होता है, उसमें जो चीज़ें यूज होती हैं उसमें इसमें एक चीज़ ये है, ये गेट वॉल है। दोस्तों ये मैं तो आपको फिजिकली इसको दिखा दूँ ये किस तरह होता है। दोस्तों ये अभी जो मेरे पास गेट वॉल है ये गाला का है, ये ब्रांड कंपनी का है, आप इसमें देख सकते हैं ये गाला लिखा हुआ है इसमें। ये मुख्तलिफ कंपनीज के हो सकते हैं, ब्रांड के हो सकते हैं, जो है कोशिश करनी चाहिए ये अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाए। और इसके अलावा जो है ये गेट वॉल इसकी फंक्शनलिटी जो है वो भी मैं पिक्चर के हिसाब से आपको इस पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ ये किस तरह फंक्शन करता है। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ पार्ट्स भी इसमें मैंशन किए हुए हैं। गेट वॉल बाकी वॉल्स की नस्बत जो है काफ़ी सूटेबल होता है, इसको प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये फ्लो को लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और फ्लो जो है पानी पाइप के थ्रू और इसके थ्रू इजीली जो है पास कर सकते हैं, और प्रेशर रिडक्शन में भी ये बहुत अहम वॉल्व है। अगर इसको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये गेट वॉल्व है ये यूज़ किया जाए। और ये इसके मुख्य पार्ट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं इसमें फिजिकली, और मैं ये नहीं एक पिक्चर भी अटैच कर दी है इसमें जिससे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य पाइप जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में, उसमें इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह की गई है। ये शेड्यूल 14 के पाइप होते हैं। शेड्यूल 14 में भी पहले आपको बताते चलूँ कि ये शेड्यूल 14 में भी सीमलेस और वेल्डेड पाइप दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। वेल्डेड पाइप जो होते हैं ये एक शीट की शक्ल में होते हैं, उनको फोल्ड करके थ्रू आउट लेंथ के साथ उसको वेल्ड किया जाता है, और वो वेल्डेड पाइप इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो सीमलेस का मतलब यह है कि ये मोल्डन स्टेट में लोहे को पिघला के एक फुल लेंथ जो है वो सैंपल के तौर पर ये तैयार की जाती है, फुल लेंथ मोल्ड की जाती है मोल्डन स्टेट में। तो ये ज़्यादातर सीमलेस ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि वेल्डिंग जो है वो क्रूडिंग की वजह से इसको जंग भी लग सकता है, और ये बस्ट प्रेशर अगर हाई होगा तो ये बस्ट करने का चांस भी इसमें ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये शेड्यूल 14 को क्यों कहा जाता है, दोस्तों ये पाइप सिस्टम है एक आपको बता दूँ कि ये वॉल थिकनेस इन दैट पाइप डायमीटर होल्ड्स अ गिवन प्रेशर फॉर अ गिवन मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ। दोस्तों ये वॉल की थिकनेस होती है, इसको शेड्यूल 14 इसलिए कहा जाता है, वॉल की थिकनेस होती है एक पाइप के डायमीटर की, जो कि गिवन प्रेशर को उस पाइप की टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकता है और या होल्ड कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों इसकी मैं एग्जाम्पल कुछ इस तरह देता हूँ, ये मिसाल के तौर पर अगर 600 PSI का जो है प्रेशर एक पाइप से गुजर रहा है, प्रेशर से पाइप पानी पाइप के अंदर से गुजर रहा है, तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है मटीरियल की वो अगर 15 PSI है तो वो 600 को डिवाइड करें 15 से, तो ये 40 इसका आंसर रहेगा। तो इस स्ट्रेंथ के हिसाब से ये शेड्यूल 40 का पाइप होगा। तो इसकी थिकनेस को एक स्टैंडर्डाइज किया गया है। दोस्तों ये आप इसमें मुख्य डायरेक्ट पाइप में ये मैंने प्रोटेक्स कंपनी है, वैसे डिफरेंट ब्रांड्स और कंपनी के जो है ये पाइप हो सकते हैं, लोकली भी हो सकते हैं, और ये जो है पाइप से इम्पोर्टेड वगैरह भी होते हैं। ये प्रोटेक्स एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें दोस्तों आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये इसका टायर थिकनेस जो है पाइप की वो सेम है ऑलमोस्ट सब में, क्योंकि ये शेड्यूल 40 के पाइप हैं,
और इनका टायर जो है वो मोंगी का एक एक इंच का है, ये डेढ़ इंच सिस्टम, दो इंच जो है ये मोंगी टायर के जो है पाए, ये इसके अलावा ये कमाबेश आधी इंच से तकरीबन चार इंच के टायर के पाए थे HD40 के। तो ये कुछ पाइप की कैटेगरीज जो है ये मैंने आपसे शेयर की, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है इसको। और इसके अलावा दोस्तों मैं एक इसमें चार्ट भी ऐड करता जाऊँगा इसमें, जो आप कैसे आप जज कर सकते हैं HD40 का पाइप है या 40 का। इसके अलावा ये वर्नियर कैलिपर के साथ इसको मेयर भी किया जाता है, और मुख्तलिफ जो है ये स्क्रूगेज वगैरह या वर्नियर कैलिपर के साथ उनको मेयर भी किया जाता है, और आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं HD40 का पाइप है या नहीं है, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी का चेक करना। और इसके अलावा इसके साइज को एक्चुअली जो इन आप मार्केट से खरीद रहे हैं या आपको वही चीज़ मिल रही है या आपको कोई डिफरेंट चीज़ मिल रही है, तो आप इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं। मैं चार्ट इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये चार्ट मैंने ऐड किया हुआ है इसमें, तो आप इसको जज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लास्ट जो चीज़ है वो है फायर फाइटिंग का पंप। दोस्तों फायर फाइटिंग का पंप जो है वो इसको उसका दारोमदार जो है वो तीन चीज़ों पर है कि पंप कितनी कैपेसिटी होना चाहिए। सबसे पहले जो है आपको प्लाट साइज, प्लाजे का साइज या कोई जो है बिल्डिंग का साइज क्या है वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो बिल्डिंग का हेड है कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट पे आपने पाइप जो है ये पाइप पानी का और पाइप को मार करना है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज़ ये है कि ये पंप आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टॉप ऑफ द रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं या जो है ग्राउंड फ्लोर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ भी बहुत अहम रखती है अहमियत रखती है इसमें पाइप की। जिसमें कि जो है ये पंप की कुछ मैं पिक्चर्स भी शुरू से भी अटैच कर रहा हूँ मैं आपको, जो पंप कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पंप जो है ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट भी हो सकते हैं, और इसके अलावा डीजल जो है डीजल के साथ कंबाइंड भी हो सकते हैं, और मार्केट में मुख्तलिफ जो है ये पंप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा इसमें पिक्चर भी जो है मैंने अटैच की हुई है ऊपर भी, और ये आप इजीली इसको देख सकते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये पंप की मुख्तलिफ कैपेसिटीज के हिसाब से जो मैंने पिक्चर इसमें अटैच की हैं। अगर आपको प्लाजे का साइज छोटा है या हैंड कम चाहिए तो उस वाले से भी ये पिक्चर्स हैं, और इसके अलावा अगर आपको हाई कैपेसिटी पंप चाहिए जो बिल्डिंग में यूज़ होते हैं वो भी मैंने इसमें अटैच कर दिए। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक अहम चीज़ बता देता हूँ, जो CDA की रिक्वायरमेंट के हवाले से ये एक चेक लिस्ट जो है वो एरिया में भी प्रोवाइड की गई है, वो इसमें चेक लिस्ट भी मैं आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा सकता हूँ। ये चेक लिस्ट है इसके इन चीज़ों को आपको कम से कम पूरा होना चाहिए CDA के। अब तक के लिए इतना ही।